गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट वालों सूज टीम अमस टीम डाक्टर जम वन हे यह हा र्यूमर अंतन तेलि टेस्ट गलत टेस्ट सोच गलत अगर टेस्ट अगर प्राइवेट लैब गलत डी सी सोब अपील कर प्राइवेट टेस्ट लैब वाल लैब बंद गरीब आवाम कर मजूर कर मजूर कर टेस्ट कर वह गई वनस टेस्ट दुकान टेस्ट अच्छे पांच सत्त पर्सेंट बच्चे वे बमार बच्चे सारे बच्चे शुंगित अच्छे बच्चे दिवन कल कर टेस्ट मान बे जाए बच्चे बमार आब बिल्कुल खराब अच्छे पी एच ई डिपार्टमेंट गए एक्सर सोब गए हत एक्सर सोब अत पाइप तम मान नम पाइप त्रावि कह वनस सारे आवाम ये परेशान करो क्या क्या सोच कहें बोल ग पांच सत्त पर्सेंट बमार बच्चे ड्रेनेज सोरे परेशान करो तो करो क्या टेस्ट मगर टेक्नीशियन साढ़ त्रे सा गांस आबादी टेक्नीशियन टेस्ट कर कम से कम टेस्ट करोल तक मारे सोन बच्चे करो तो करो क्या अच्छे बड़ तो बमार बच्चे तो बमार अच्छे गवर्नमेंट गुजारिश कर योर सोचित श्रीनगर पे टीम अच्छी वनकस इलाज कर परेशानी गई दूर जो इंटरलिंक्ड है इस पानी के साथ उनका भी कंसर्न है। हमारी गुजारिश यही है डिपार्टमेंट से पीएचई खासकर पीएचई डिपार्टमेंट से कि ये जो हमें कनीपोरा से पानी आता है उसको प्लीज़ वहाँ पे देखा जाए कि कंटैमिनेशन किसकी वजह से हो रही है। वहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वहाँ पे उनके घरों से गंदा पानी जाता है, गंदगी जाती है, उसी पानी में जाती है और उसी की वजह वही पानी हम पीते हैं। वहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। हमने पिछले तीन साल से गुजारिश की है डिपार्टमेंट से कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट की जाए, वहाँ पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जाए हमारे लिए जिसकी वजह से हम साफ़ पानी पिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक घर में सहूलियत मुहैया हो, फिल्टर्स मुहैया हो। हम इंतज़ामिया से ही गुजारिश करते हैं, हम उन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वहाँ पे अगर फिल्ट्रेशन पॉइंट हो तो हर एक घर में साफ पानी पहुँचेगा और उसकी वजह से हमें जो आज दिन देख रहे हैं सेहत के हिसाब से यहाँ पे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बूढ़े सफ़र कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें सफ़र कर रही है, तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सैम्पलिंग हुई है, वहाँ पर टेस्ट उनको रिजल्ट मिला है। यहाँ पर आज सैम्पलिंग हो रही है, हमने इनफैक्ट प्राइवेट क्लिनिक लैब्स पर भी गए हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी केसेस पाए गए हैं। तो आप खुद देख लीजिए वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का की जड़ ही प्रॉब्लम की बेसिक रूट ही है यही है कि हमें पानी साफ नहीं मिल रहा है और इंतजामिया से हमने बहुत बार गुजारिश की है, एग्जाम साहब से गुजारिश की है, पीएचई डिपार्टमेंट से गुजारिश करी हमने कि हमें फिल्ट्रेशन पॉइंट दिया जाए। और यहाँ पे अगर देखा जाए एक हेल्थ सेंटर का भी, हमें एक भी सब हेल्थ सेंटर है लेकिन एक प्राइमरी बिल्डिंग बनी हुई है, मेन बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन अभी फंक्शनल नहीं है। ये मेन इश्यूज हमें वाटू वालों को या आसपास वाले गांव जो है उनको यही देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है।